स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जयहो इंस्टीट्यूट पे। और जैसा कि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं, आई होप मज़ा भी आ रहा होगा थोड़ा सा कि यार एग्ज़ाम पास में आ गया, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। लेकिन ऐसी टेंशन ना लो, ठीक है। हमने बोला था तो हम मैथ्स तो कराएंगे ही कराएंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो अब बात आती कि बात किस चीज़ की है यार, टॉप 200 क्वेश्चंस की बात चल रही थी कि मैंने पहले सोचा कि टॉपिक वाइज करा दे, तो टॉपिक वाइज से क्या होगा, कुछ मज़ा आ जाएगा। तो इसका पहला लेक्चर हो चुका था, जो कि पहला लेक्चर आपका डिपेंड था कौन सा टॉपिक हुआ था अभी, लॉक पे, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं 5-6 घंटे में बना दूंगा आपका लेक्चर सेकेंड। लेकिन यार जब मैं बनाने पहुंचा तो वहां पे मुझे ये लगा कि मैं कुछ भी उठा के तो बना नहीं सकता, ठीक है। एक लेक्चर आपके पास पहुंचता 20 मिनट में, बट उस लेक्चर को मैं बनाता हूं कम से कम 6-7 घंटे में। ये मैं दिखा सकता हूं आपको एमएस में कि देख लो मैं कितनी सारी बुक्स को एक साथ लेता हूं, उसके बाद उनसे क्वेश्चन सेलेक्ट करते फिर ये बनाते हैं। ऐसे कुछ भी मटेरियल रख के दे देना आपको, दैट्स नॉट गुड, ठीक है। और ये अच्छा भी नहीं है, मुझे लगता है कुछ भी मटेरियल उठा के मैं आपको दे दूं। इसलिए मैंने 3-4 बुक्स को लेके सेलेक्ट देखा, सभी में जो क्वेश्चन कॉमन है उन्हीं को करा रहा हूं, ठीक है। तो चलते हम लोग डोमेन रेंज की तरफ, और जो टॉप 200 का है पार्ट टू आज हम लोग देखेंगे 40 क्वेश्चन, ठीक है। फिर सुबह मॉर्निंग में आ जाएगा, तो यार एग्जाम से पहले आपका कवर हो जाएगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, इसके लिए तो वेल प्रॉमिस कर रहा हूं यार आपसे, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो भाई कॉन्सेप्ट जिसने नहीं देखा है अभी डोमेन का, वो सबसे पहले इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और जाओ मेरे डोमेन के लेक्चर पे। अगर नहीं मिल रहा है तो मैंने लिंक भी दे रखा है और आई का आइकन भी आपके पास आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख लो, क्योंकि जब तक वो डोमेन का लेक्चर नहीं देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा थोड़ा सा। तो हम लोग चलते हैं, किक नहीं मिलेगी कहते हैं ना उसको, तो जब तक किक चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है। तो ये बन चुका है आपका पूरे, जिसमें आज 21 से लेके 40 तक है, पूरे सॉल्व करते हैं यार, ठीक है। 20 मिनट में हो जाएंगे, चलो देखो 21 क्वेश्चन है। कह रहा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, gx इज इक्वल टू 3x प्लस 1। जिसको PDF की नीड है, मैंने PDF दे रखी है, आप वहां से निकाल लो, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ गॉफ एक्स। समझना यार गॉफ क्या होता है। देखो सबसे मेन उद्देश्य मेरा यही है कि टॉपिक वाइज रखने का, मैं टॉपिक भी समझा सकूं, ठीक है। तो आपको क्लियरनेस और अच्छी मिलेगी। fx इज इक्वल टू ये, gx इज इक्वल टू ये, तो गॉफ x, तो यार गॉफ समझना क्या होता है, जैसे फॉग था सुबह ऐसे आज क्या है, गॉफ है, क्योंकि रात हो गई तो फॉग है नहीं। fx और gx यानी फंक्शन होगा जी का, फंक्शन होगा जी का, वैल्यू होगी एफ की। तो भैया जी की तो फंक्शन होगा, लेकिन एक्स की जगह क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सीधे सीधे आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, मतलब कितना आया 3x स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 2। आई होप क्लियर हो गया होगा, 3x स्क्वायर माइनस 2 मतलब क्या, फंक्शन जी का होगा, वैल्यू एफ की होगी। तो फंक्शन मैंने लिया जी का, और जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू को मैंने पुट करके सॉल्व कर लिया, क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन क्या है यार। 22 नंबर है हमारे पास, कह रहा है fx इज इक्वल टू 3x प्लस 5, देन फाइंड एफ इनवर्स x। तो एफ इनवर्स x का मुझे एक यही क्वेश्चन मिल पाया है, और मैंने एक कराया भी था। तो समझना एफ इनवर्स x क्या होता है, ये एक इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं एफ इनवर्स x में, कि ये जो वैल्यू होती है इसको y के टर्म्स में मान लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब x की वैल्यू आ जाती है तो जहां y होता है वहां x करते हैं, और जहां x होता है वहां y करते हैं। समझना कैसे, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू मान लिया y, यहां से मैं x सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 3। x इज इक्वल टू कितना गया, y माइनस 5 अपॉन 3, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास सीधे सीधे बस ये x की वैल्यू आते ही हमारे पास इन्वर्टेबल फंक्शन आ जाएगा, तो f इनवर्स x आ जाएगा, x को बस y को x से चेंज कर दो, x माइनस 5 बाई 3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल सा है यार, बस थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही होगी कि पहले x किया कि y किया। सिंपल समझना कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको y के टर्म्स में मान लेंगे, x इज इक्वल टू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू आएगा y माइनस 5 अपॉन 3। जो x आता है वो इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाता है, और y को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से रिप्लेस कर देंगे, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23 है, fx इज इक्वल टू 3e2 पावर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। log x माइनस 1, ठीक है।
कह रहा फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, हमें इस फंक्शन की क्या करनी है, डोमेन करनी है, फाइंड करनी है, फाइंड डोमेन, ठीक है भाई। हमको क्या फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है और डोमेन की बात कर रहा है, तो यार क्या करेंगे, तो सबसे पहले सिंपल से हम तुम लोग बता चुके हैं कि हमको इन दोनों फंक्शन की डोमेन्स पता होनी चाहिए। तो रूट जो है वो गेट इक्वल टू जीरो से ओपन होता है, बहुत इजी है समझना, ये गेट इक्वल टू जीरो से ओपन होगा, और लॉग जो है वो ग्रेटर देन जीरो से ओपन होगा, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। लॉग जो है ग्रेटर देन जीरो से ओपन होगा, तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, और ये आ जाएगा एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, और ये आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू जीरो, इतना क्लियर हुआ। अगर देखो दोनों में वैल्यू कौन सी कॉमन है, एक्स माइनस वन की ग्रेटर देन जीरो लोगे ग्रेटर इक्वल टू जीरो तो हो नहीं सकता, तो सिंपल सा हम लोग इसको सॉल्व कर लें, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वन, यहाँ आएगा इन्फिनिटी, यहाँ आएगा माइनस इन्फिनिटी। अब समझना जरा, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, हमको ग्रेटर की वैल्यू चाहिए और ग्रेटर की वैल्यू में पॉजिटिव होता है, तो आंसर आएगा एक्स बिलोंग्स टू वन से इन्फिनिटी, क्लियर। या फिर कहीं आंसर हो सकता है, या x belongs to 1 से infinity, दोनों में से कोई भी आंसर हमारे पास सही हो सकता है। इसको भी ओपन इंटरवल बोलते हैं, इसको भी ओपन इंटरवल बोलते हैं। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखते हैं यार, कि हमारे पास ये दे रखा था, हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो और x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हमारे पास रूट है तो रूट इस वैल्यू से ओपन होता है, और लॉग है तो रॉट लॉग रूट से ओपन होता है, ठीक है, यानी ग्रेटर देन जीरो से होता है। तो यार इसको सब सॉल्व करो, दोनों में एक ही वैल्यू कॉमन मिल रही, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू जीरो नहीं लोगे, ग्रेटर देन जीरो लेंगे, ठीक है। तो अब भैया इसको सॉल्व करते हैं, हमने क्या बताया था, जो वैल्यू उसको लिख लो, प्लस और माइनस, ग्रेटर है तो वैल्यू प्लस की आएगी, प्लस की आएगी तो वन से लेके इन्फिनिटी, और ओपन इंटरवल लगता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर है, अगर ग्रेटर इक्वल टू होता तो हम लोग क्लोज इंटरवल लगाते, इतना क्लियर हुआ। तो हमारे पास आंसर आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू वन से लेके इन्फिनिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 24, डोमेन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। मेरा मेन काम है कि सारी चीजें एक अच्छे से क्लियर होते हुए चले आएंगे, तो समझना यार, तो हम लोग रूट है तो रूट की इनइक्वालिटी को ग्रेटर इक्वल टू जीरो से ओपन करोगे, ठीक है। अब समझो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से x कॉमन करो, तो x जब कॉमन करो 4 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, इधर हो गया x, अब समझना ये हो गया x, 4 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो गया। अब इन इक्वालिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंजमेंट हो जाएगी, ये आ जाएगा x, x माइनस फोर ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ठीक, वैल्यू किस में आ रही है, सॉरी लेस इक्वल टू जीरो। अब समझना एक होगा जीरो, एक होगा फोर, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब कुछ बच्चों के बाउंस मार गया होगा कि यार ये क्या कर दिया अपने मन से, जब मना तो जो कर लेते, ऐसा कुछ नहीं बच्चा, समझना 4 माइनस एक्स है, हमको हमेशा x पहले रखना होता है, x जब पहले रखोगे माइनस कॉमन करोगे, और अगर माइनस आपने कॉमन किया, इनइक्वालिटी क्या होती है, हमेशा चेंजमेंट हो जाती है, तो मैंने इनइक्वालिटीज को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इनइक्वालिटी को चेंज किया, तो एक एक्स मिलेगा जीरो, एक एक्स मिलेगा फोर, तो अब हमने प्लस माइनस प्लस लगा दिया, लेस इक्वल टू की हमारे पास इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी किसकी, लेस इक्वल टू की, और अगर लेस इक्वल टू होगा तो हम लोग वैल्यू कौन सी लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो आंसर आएगा x belongs to 0 to 4। अब यहां पे बहुत याद रखना अच्छे से कि हमारे पास ऑप्शन चार होंगे, एक ये हो सकता है x belongs to 0 to 4, एक ये हो सकता है x belongs to 0 to 4, और एक हो सकता है x belongs to 0 to 4, इस टाइप में। लेकिन हमेशा रखना हम लोग आंसर याद, फिर कौन सा लगाएं, हमेशा ग्रेटर इक्वल टू है, लेस इक्वल टू हो, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, ओपन सॉरी क्लोज इंटरवल का, तो आंसर क्या आएगा, 0 टू 4 आएगा, इतना क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। कह रहा फाइंड डोमेन अंडर रूट लॉग। अब देखो अभी हमने तुमको बताया था कि हमारे पास जो डोमेन होगी लॉग की, ठीक है, और रूट की, तो रूट की ग्रेटर इक्वल टू जीरो से ओपन होगी, तो सिंपल सा है एक्स स्क्वायर लॉग बेस में सिक्स ग्रेटर इक्वल टू
जीरो। अब लॉग उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया, वन। और जहां पे भी एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू वन होगा उसको हम लिख सकते हैं मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू वन। हमारे पास ऑप्शन मॉड में था इसलिए मैंने मॉड में निकाला इसको, अदरवाइज इनइक्वालिटी में इसको ब्रेक कर सकते थे माइनस वन और प्लस वन से। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दो समझना एक बार यार, नहीं होगा तो। अब कहोगे लॉग की लगाए, लॉग की नहीं लगानी क्योंकि हमारे पास रूट के अंदर लॉग है, रूट के अंदर लॉग है इसलिए हम लोग उसको रूट को हटाएंगे ना, तो रूट को हटाएंगे ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो गया। लॉग इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू वन हो गया, तो मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू वन, अदरवाइज ये आंसर ना होता, ऑप्शन में आता, तो इसको लिखते एक्स ग्रेटर इक्वल टू वन और एक्स लेस इक्वल टू माइनस वन, ये भी लिख सकते थे, ठीक है। 26 नंबर है, कह रहा डोमेन ऑफ लॉग साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है समझना। सबसे पहले मैं साइन एक्स की डोमेन पता होनी चाहिए, साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो। अब हमसे कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो यार साइन एक्स की हमको ये पता है कि सभी होते हैं रियल नंबर, यानी सीधे सीधे हम लिख सकते हैं रियल नंबर। लेकिन एक बात ये बताओ, अगर साइन में जीरो आ गया या पाई आ गया, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग में जीरो आ जाएगी। और लॉग के लिए जीरो हमारे पास डिफाइन नहीं होता है, लॉग के लिए जीरो डिफाइन नहीं होता है, तो यार इससे हम क्या कर देंगे, आर माइनस एन पाई हटा देंगे, तो सीधे सीधे आंसर आएगा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर माइनस एन पाई। क्लियर हुआ, कुछ भी करने की कोई नीड नहीं है इस क्वेश्चन में। साइन के लिए याद रखना हमारे पास डोमेन साइन क्या होती है, हमारे पास भाई साइन जो वेरीफाई होगा रियल नंबर्स में होगा या माइनस वन से वन में होता है, माइनस वन से वन में होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेकिन ये तो रियल नंबर, ठीक है, अगर यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो लॉग जीरो डिफाइन नहीं होता, इसलिए हम लोग एन पाई को हटा देते हैं। क्लियर हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 है, या तुम लोग एक चीज़ बता दें, डोमेन रेंज कभी समझ में नहीं आया होगा, आप लोग कहीं भी पढ़ लेना, लेकिन इस लेक्चर में मैंने पूरी कोशिश की अपना हर चीज़ देने की, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ना पढ़ पाओ तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स टू एक्स, ठीक है समझना। अब बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स आती है कि सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है, साइन इनवर्स एक्स के में पता होना चाहिए, जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसकी जो डोमेन लाई करती है माइनस वन से वन के बीच में लाई करती है, ठीक है, यानी साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है एक्स लाई करती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक समझना। तो टू एक्स माइनस वन से वन, अब हमें एक्स से टू हटाना है, एक्स को सिंगल बनाना, तो क्या आ जाएगा माइनस वन बाई टू एक्स वन बाई टू, हमारे पास आंसर आ गया। आंसर कितना आ जाएगा, या तो ऑप्शन में ये दिया होगा, ये नहीं दिया होगा तो ये होगा x belongs to माइनस वन बाई टू से वन बाई टू। क्लियर हो गया, बहुत इजी होता है, बहुत इजी, अगर कॉन्सेप्ट समझ गया भाई। साइन वर्स x की लिमिट हमें पता है, साइन वर्स x की डोमेन क्या होती है माइनस वन से वन होती है, ठीक है, माइनस वन से वन कर दिया, अब यहाँ टू एक्स, यहाँ टू एक्स कर दिया, अब हमको x को सिंगल रखना है, टू को हटाना है, टू से डिवाइड कर दो, सीधे सीधे बस आंसर आ गया। क्लियर हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 28 नंबर, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 3x माइनस वन, ठीक है यार, एक चीज रखना, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, सॉरी चाहे साइन इनवर्स हो चाहे कॉस इनवर्स हो, ठीक है, तो दोनों के लिए जो डोमेन होती है माइनस वन से वन होती है, दोनों के लिए डोमेन क्या होती है माइनस वन से वन होती है, तो ठीक है यार ये हमारे पास हो जाएगा माइनस वन, सेम वही काम 3x माइनस वन, ठीक है, और प्लस वन, अब यहाँ से वन हटाना है, बोथ साइड वन ऐड कर दोगे तो माइनस टू हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा वन, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से मैंने वन हटाया तो यहाँ कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, इतना क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने हर साइड सॉरी वन ऐड किया है, एक मिनट, यहाँ से माइनस वन, यहाँ से तुम्हें माइनस वन हटाना, माइनस प्लस वन करोगे, प्लस वन करोगे यहाँ जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x लेस देन इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है, अब हमको 3 से डिवाइड करना है तो ये आ गया 0 x 2 बाई 3, तो हमारे पास x बिलोंग्स टू आएगा 0 से 2 बाई 3।
क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सेम कॉन्सेप्ट, बस ये हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो डोमेन होती है वो होती क्या रियल में, बस साइन कॉस टेन इनकी इन्वर्स की डोमेन याद कर लो, बाकी क्वेश्चन कोई भी आप बना सकते हो। भाई हमें पता माइनस वन से वन के बीच में होती, थ्री एक्स माइनस वन कर लिया, अब हमको यहाँ से वन हटाना है, यहाँ से वन हटाना है तो बोथ साइड वन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया टू, यहाँ पे आ गया जीरो, थ्री हटाना, थ्री से डिवाइड कर दो जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन ऑफ फंक्शन वन अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यार एक चीज यार रखना, कंफ्यूजन क्रिएट होगा यहाँ पे थोड़ा सा, कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा ये भी बता दें कि अगर हमारे पास सिंपल रूट में आता, अगर हमारे पास सिंपल रूट में आता तो यार ग्रेटर इक्वल टू जीरो था, लेकिन अगर वन अपॉन रूट में आएगा तो हमें ऐसा रखना ग्रेटर देन जीरो से ओपन होती है। किससे ओपन होती है? ग्रेटर देन जीरो से, फोर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, तो यार इसके फैक्टर होंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन जीरो हो जाएगा, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। अब समझना पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, लेस देन, लेस देन मतलब निगेटिव वाली, निगेटिव वाली मतलब माइनस टू से टू, तो आंसर आएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू से टू। यार इससे इजी मेथड नहीं हो सकता, ठीक है, माइनस टू से टू, आई होप यही आंसर आ रहा है, ठीक, क्लियर हुआ ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 30, डोमेन बहुत पढ़ ली, अब आते हैं रेंज पे, तो 30 क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, तो यार इसकी क्या होगा हमारे पास, अब समझ में, अब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है कि हमको वैल्यू जो है एक्स से छोटी रखनी है, ठीक है, तो एक्स से छोटी जीरो से वन तक हो सकती थी, जीरो से वन तक हो सकती, जीरो तो हो जाएगी लेकिन वन नहीं होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू वन नहीं हो पाएगी क्योंकि हमें क्या करना है, इससे छोटी रखनी है, ठीक है, तो सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे x belongs to, अगर इससे छोटी हुई तो x हो सकता था, x से जीरो हो सकता लेकिन वन तो नहीं होगा ना, तो जीरो से वन, लेकिन याद रखना यहाँ क्लोज ओपन इंटरवल लगेगा, यहाँ पे क्लोज लगेगा क्योंकि वन नहीं हो सकती है, वन नहीं हो सकती। अब बात करें यार डोमेन और रेंज में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तो मैं तुम लोग पहले बताता हूँ डोमेन रेंज में डिफरेंस क्या होता है, या डोमेन क्या होता है, डोमेन जो होता है तुम्हारे पास वैल्यू ऑफ एक्स होती है, डोमेन जो होती है वैल्यू ऑफ एक्स होती है, लेकिन जो रेंज होती है उस एक्स की वैल्यू को पुट करने पे जो वैल्यू आती है वो होती रेंज। समझना जरा, थोड़ा थ्योरेटिकली समझते हैं, जैसे हमने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स इज इक्वल टू वन रखते हो तो एफ एक्स कितना आता है यहाँ पे, टू आता है, समझना, ये जो वैल्यू है ये है डोमेन, ये क्या है, डोमेन, लेकिन ये जो वैल्यू मिली है ये मिली हमको रेंज, यानी डोमेन की रियल वैल्यू को रखने पर जो रियल वैल्यू प्राप्त होती है, जो रियल वैल्यू की वैल्यू आती है वो होती है रेंज। ठीक, क्लियर हुआ डोमेन और रेंज में डिफरेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रेंज ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, यार ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था साइन वर्स एक्स, अगर इसकी डोमेन पता है तो रेंज निकाल लो, क्योंकि साइन में हमें पता माइनस वन से वन होती है, माइनस वन से वन होती है, तो सिंपल सा है, साइन की डोमेन माइनस वन से वन होती है तो रेंज क्या होगी, माइनस वन रखोगे तो माइनस फाइव बाई टू और वन रखोगे तो फाइव बाई टू, तो आंसर आएगा माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू, क्योंकि अभी हमने बताया है तुमको जो इसकी रेंज होती, सॉरी डोमेन होती है वो होती माइनस वन से लेके वन, तो माइनस वन कब आएगा, माइनस फाइव बाई टू पे, वन कब आएगा, पाई बाई टू पे, तो क्लियर हो गया माइनस फाइव बाई टू से पाई बाई टू, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है ये। अब हमारे पास कह रहा है 32 नंबर, रेंज ऑफ ए टू पावर एक्स, ठीक है, रेंज ऑफ ए टू पावर एक्स, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहे हैं यार जो a टू पावर x है, ठीक है, वहां पे जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो होगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, भाई x की वैल्यू हम जीरो तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि a की पावर जीरो वन हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्योंकि जो x है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो जो रेंज आएगी वो आएगी जीरो से, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, ओपन इंटरवल, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक, लेकिन इन्फिनिटी बन सकता है, तो जीरो से
इन्फिनिटी, याद रखना इसकी हमारे पास जो रेंज रेंज होगी वो होगी जीरो से इन्फिनिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप की जो रेंज है, ये तो हमारे पास ओल्डली हम याद कर सकते हैं, इनको याद कर लेना अच्छी है, इन तीन में से काफ़ी पूछी जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ और रेंज जो कि हमको पता होनी चाहिए कैसे फाइंड करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज fx इज इक्वल टू 3x प्लस x प्लस 1/x। अब हम ये समझाएंगे ये क्वेश्चन क्या है, ये ओल्डली हो नहीं पाएगा, इसको समझने के लिए समझना, या कभी भी अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो सबसे पहले उसको हम y के टर्म्स में निकाल के हम लोग लगाएंगे इसमें सीधराचार मेथड, और सीधराचार मेथड में रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है उसको हम ले लेंगे ग्रेटर इक्वल टू जीरो, और उसको जो सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है वो आ जाती है इसकी रेंज। ये होता है क्वाड्रेटिक का फंडा, समझते हैं कैसे। इसको y इज इक्वल टू मान लो x प्लस 1/x, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई, और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब समझते हैं एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब हमें बाकी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ मतलब होता है इस वाली वैल्यू से। तो वाई स्क्वायर माइनस 4 गटर इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, क्योंकि हमें पता है किससे ओपन होता है रूट, गटर इक्वल टू से। अब ये आ जाएगा वाई माइनस 2 और एक आएगा y प्लस 2, गटर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब समझना यार, ये आ गया 2 और ये आ गया 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू गटर इक्वल टू की, तो लिमिट कहाँ से ओपन होगी, गटर से ही जाएगी, तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 2 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था मुझे, इसलिए मैंने दिया। समझना, जब कभी हमारे पास क्वाड्रेटिक की रेंज पूछता है, क्वाड्रेटिक की रेंज पूछता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू को हम लोग वाई के इक्वल मान लेते हैं। वैल्यू किसके इक्वल मान लेंगे, वैल्यू को हम लोग वाई के इक्वल मानेंगे। वाई के इक्वल मानने के बाद उसके बाद हम एक्स की जो वैल्यू निकालेंगे सीधराचार मेथड से निकालेंगे, जो रूट के अंदर वैल्यू होगी उसकी हम लोग डोमेन के टर्म्स में फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 34 है, वो भी एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि तुम लोग समझ में आ जाए। 34 क्या है, रेंज ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, इसकी रेंज हमें फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया, इसको किसके इक्वल मान लो, y के इक्वल, तो 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 माइनस y, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a 12 10 माइनस वाई अपॉन 2a अपॉन 2a 6। हमें इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं, सिर्फ मतलब है इससे। तो ये आ गया 49 माइनस 120 और प्लस 12y गेटर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आएगा 12y गेटर इक्वल टू, ये 49 से 120 गया तो 71, ठीक है, क्लियर। ये कितना हो गया 71, तो 71 y कितना आ जाएगा 71 अपॉन 12, क्लियर। y कितना आया 71 अपॉन 12, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे बना लो इसको, 71 अपॉन 12 पॉजिटिव नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 71 अपॉन 12 से लेके इन्फिनिटी, क्लियर, ठीक। आया समझू कि नहीं आया, नहीं आया समझना, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना होता, वाई के इक्वल मान लेते हैं। वाई के इक्वल मानने के बाद हम इसमें लगाएंगे सीधराचार मेथड, एक्स की वैल्यू के लिए जो रूट में वैल्यू आती है हमसे उसको मान लेंगे गेटर इक्वल टू जीरो। गेटर इक्वल टू जीरो को मानने के बाद हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो डोमेन रेंज का जो मैंने पार्ट बनाया था उसको देख लो, वो आपके लिए सफिशेंट है। तो ये तो हुई हमारे पास डोमेन रेंज की बात। अब बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि इसके बाद हमें चाहिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो ठीक है यार, मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ। तो अब करते हैं 20 क्वेश्चन हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, तो ये हो गया 34 क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे 35, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, एक दो क्वेश्चन। तो 35 नंबर देखते हैं भाई क्या है, आ जाओ सामने, 20c3 इसकी वैल्यू निकालनी है। ncr कैसे होता है, कोई फॉर्मूला रटने का नहीं है, कोई फॉर्मूला रटने का नहीं है। देखो यार, मैंने कहा बेसिक करा रहा हूं, बेसिक मतलब ये नहीं कि मैं ABCDEFG पढ़ाऊंगा, ठीक है, फॉर्मूला रटना हटाता हूं, ट्रिक
से बचना बताता हूँ, ठीक है। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। चलो तो फिर हम लोग देखते हैं कि 20C3 कैसे तोड़ें। तो यार 20 को तोड़ो 3 times, तो 20 और 19, 18 अपॉन 3 को तोड़ो 1 तक, ठीक है। ये कैंसिल हो गया 3 times, तो ये आ जाएगा 60 into 19, ये आ गया 114 और 0, क्लियर। 114 और 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर की तरफ। तो आओ भाई 36 क्या है, 36 देख लेते हैं। 36 कह रहे हैं NC8 इज इक्वल टू NC4, फाइंड द वैल्यू ऑफ N। यार अगर NCX इज इक्वल टू NCY है तो हमारे पास जो N होता है वो आता है X प्लस Y इज इक्वल टू 12, क्लियर। अब क्वेश्चन है हमारे पास 37, तो भैया मिलते हैं 37 जी से। आओ भाई तुम भी देख लो, 37 है NP5 20NP3। एक मिनट इंक डालने, मार्कर सूख गया बेचारा चलते चलते, वो भी जाने। ठीक है, तो अब समझना NP5 NP3, N को ब्रेक करो 5 times, N को ब्रेक करो 3 times, यानी कि N N-1, N-2, N-3, N-4 इज इक्वल टू 20 N, N-1, N-2। भैया ये तीनों कैंसिल, N-3 इज इक्वल टू N-4। अब यार इसको तोड़ लो 4 into 5, ऐसे तोड़ेंगे कि हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर हो जाए। तो अब समझना N-3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 5 के इक्वल, तो N इज इक्वल टू आ गया 8, क्लियर हो गया। कुछ भी ये ना करना कि N फैक्टोरियल अपॉन N-r फैक्टोरियल, ऐसा कोई फंडा यूज नहीं करना है। N को तोड़ो 5 times, N को तोड़ो 3 times इज इक्वल टू कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर, उसके बाद हमारे पास आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थक गया यार, आओ वापस आओ। 38 है 10PR5040 कह रहा है, R की वैल्यू फाइंड करो। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है बहुत इजी होता है, बहुत इजी इन द सेंस 10 को ब्रेक कर लो 10, 9, कब तक करना है, जब तक हमका ये ना मिल जाए, ठीक है, तब तक ब्रेक करते रहो, करो 10, 9, 8, ठीक है, 972 into 7, ठीक है। अब जरा करो 972 into 7, 49, ठीक है मिल जाएगा, इसके बाद यहाँ से मिल जाएगा। तो कितने टाइम मैंने ब्रेक किया, 1, 2, 3, 4, तो आंसर कितना आ गया इसका, जितने टाइम ब्रेक करोगे वो हमारे पास आंसर आएगा, क्लियर। तो 38 का आ गया 4, 39 देखते हैं यार, कराएंगे तो भाई साहब पूरे। अब मैंने बोला 200 कराएंगे, 200 कराएंगे, आज कितने हो गए हमारे पास 80, कल सुबह हो जाएंगे 40, 60, हाँ हो जाएंगे। आपको मैं परसों तक करा दूंगा 200 क्वेश्चन, ठीक है, ये नहीं कि एक लेक्चर दो लेक्चर, बस 10 से ज़्यादा नहीं, 10 लेक्चर लेंगे, 10 से ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। 39 है 10CR, 10CR प्लस 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ R, सिंपल सा अभी तुम्हें बताया NCX इज इक्वल टू NCY है तो हम करेंगे R plus 4 इज इक्वल टू 10, तो 2R इज इक्वल टू 6, R इज इक्वल टू 3। एक लास्ट क्वेश्चन आज का जो कि होता है 40, और 40 कह रहा है NP5 NP3 2:1, बहुत इजी है। N को तोड़ो 5 times, N, N-1, N-2, N-3, N-4, N, N-1, N-2 इज इक्वल टू 2:1, 1, 2, 3, हमारे पास कितना आ गया N-3, N-4 इज इक्वल टू 2, कॉन्सिक्यूटिव करो, इंटू 1 लिख सकते हो ना, 1 लिख सकते हो, तो N-3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, क्लियर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब कहोगे बहुत जल्दी कर दिया, नहीं यार जल्दी नहीं कर दिया, हम चाहें तो तुम लोगों को ज़्यादा नहीं 2 दिन में, ठीक है, इतना करा देंगे, इतना करा सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। फास्ट भी पढ़ाना आता है, स्लो भी पढ़ाना आता है, आराम से भी पढ़ाना आता है, जैसे तुम लोग पढ़ना चाहोगे हम वैसा पढ़ा देंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो यार। अब तुम लोग बिलीव नहीं मानोगे, मैं कल सुबह 5:30 से जग रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे 40 hours हो गए कंटिन्यू जगते हुए, ठीक, अभी भी मैं सोया नहीं हूँ। अब तुम लोग कहते हो सर लेक्चर होता है 20 मिनट का, लेक्चर तो होता है 20 मिनट का, लेकिन उस लेक्चर को बनाने में बहुत टाइम लगता है, और ऑलरेडी मैं 10 से 12 घंटे पढ़ा रहा हूँ अपनी ऑफलाइन क्लासेस, यानी अपने घर में और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो यार टाइम लग जाता है 10 से 12 घंटे पढ़ाना, खाना खाना, बाकी काम, और उसके तुम लोग के लिए लेक्चर बनाना,
तो और कल से 3-4 लेक्चर बना भी चुके हैं, अभी फिर बैठ जाएंगे, तो यार थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। हम भी कोशिश करते हैं हमेशा अच्छा देने की, ख़राब तो देते हैं यार, देखो अगर कुछ देना हो तो अच्छा दो, नहीं तो ऐसा तो सबको देता है, ठीक है। इसलिए मैं नहीं चाहता कुछ आपको कुछ बेकार मिले। अब बात आती है इंग्लिश वगैरह की, तो इंग्लिश के बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हमारे पास यूट्यूब में पड़े हैं, मैंने देखा है काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो इंग्लिश आप लोग वहाँ से कवर कर लो। और मैं तो बस यही कहूँगा जो सेलेक्टेड पढ़ा रहे हों सिर्फ उन्हीं से कवर करना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स अब वीडियो अपलोड करने लगे हैं, तो यार वो बहुत दिक्कत देगा आपको। यूट्यूब का सही प्रयोग करो, ये नहीं कि आप जिसका लेक्चर थोड़ा सा दिखे उसका देखने लगो, किसी एक टीचर को फॉलो करो, उसी को ही फॉलो करते जाओ, ठीक है। इस चीज़ को यार अपना, नहीं तो फिर मिसगाइड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, एग्ज़ाम में बहुत टेंशन होगी। तो अब इतने लोग क्वेश्चन लगाओ, इसकी PDF मैंने दे दी है, और जो डोमेन नहीं आता उसके लिए पहला लेक्चर देखो। मिलते हैं हम लोग सुबह 6 से 7 के बीच में मिल जाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।